जी नमस्कार, मेरा नाम अंशु सिंह है। मतलब आप तो सुना है कि भोजपुरी बहुत बड़ी स्टेज गायककार हैं, तो क्या कहेंगे आज बॉम्बे में आप? जी बहुत अच्छा लगा आपने जो सवाल किया मुझे, और ये माता रानी की कृपा है जो आप लोगों के बीच में मैं कुछ गाती हूँ सुनाती हूँ और आप लोग मुझे लाइक करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। मतलब स्टेज शो के अलावा आपने एल्बम में भी गाने गाए? हाँ जी, बहुत सारे एल्बम हैं, मूवी हैं जिसमें मैंने गाया है, लोग काफ़ी पसंद भी किए मेरे गाने को, और मेरी कामनाएं यही रहेगी कि आप लोग इसी तरह से मेरे को सुनो और आशीर्वाद प्यार दुलार देते रहो। और बॉम्बे में कैसे आई हैं? जी ये तो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, दिली ख्वाहिश रही, बचपन से ही मैं गाती हूँ, जो भी गाती थी पहले बचपन में भी गाती थी, और अभी बॉम्बे में बस वही संगीत को आगे बढ़ाने के लिए आई अपने संगीत को। रिकॉर्डिंग है या किसी फिल्म में आप गाने वाली हैं? जी नहीं, बहुत सारे मूवी है जिसमें मैं गा चुकी हूँ, अभी फिलहाल में अभी ससुराल फिल्म हुआ जो राजकुमार पांडे जी डायरेक्टर का है और उनके लड़का चिंटू जी ने इसमें काम किया है, तो इसमें मेरा भी सॉन्ग है जो कि हमरे कानों में मिश्री घोले हमरे आगे पीछे डोले बलम मुरा रंग रसिया करके ऐसे सॉन्ग है, काफ़ी लोग सुन रहे हैं पसंद भी कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी गाऊँ आप लोग पसंद करें। और अपने कुछ ऐसे कुछ खास मोमेंट्स बताइए जिसमें आपको अच्छा लगा हो, और इंडस्ट्री में कितनी आपने मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए? वैसे तो कहा जाता है कि संघर्षी जीवन है, संघर्षमय जीवन मेरा चल भी रहा है, और आशाएं जुड़ी हुई है कि मैं आगे जो भी करूंगी अच्छा करूंगी, और आप लोगों का साथ सहयोग मुझे चाहिए क्योंकि दर्शक ही हमारे लिए भगवान है, और जब तक आप लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। काफ़ी मैंने गीत गाया है, अच्छा लगा आप लोगों को सुनने में, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो अच्छा गाई है। तो अभी कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका चल रहा है जिसमें आप अभी दर्शक आपको सुनने वाले हैं? जी अभी तो मैंने कांवर का गीत गाया भोलेनाथ का, और बाकी सारे एल्बम हैं जिसमें मैं अभी लिरिक्स हुआ हुआ है उसको गाना है मुझे, बाकी ये गाना अभी ससुराल फिल्म में जो आपने गाना गाया दो लाइन सुना दीजिए। ओके, मेरे सौभाग्य की बात, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग फिर से उस सॉन्ग को सुनने के लिए मतलब उत्साह मतलब वो कर रहे हैं अपने। जी फिल्म का नाम ससुराल है और जिसमें मेरा गाना है, मैंने गाया है, हमरे कानों में मिश्री घोले हमरे आगे पीछे डोले, हमरे कानों में मिश्री घोले हमरे आगे पीछे डोले, मोहे डियर डार्लिंग बोले बलम मोरा रंग रसिया रसिया, बलम मोरा रंग रसिया, और इतना ही मैं गा के अपने गानों को मतलब वो देती हूँ, ब्रेक देती हूँ। अपने दर्शकों से क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों से यही मेरी कामनाएं हैं, सबको नमस्कार करते हुए, कि आप सभी का जो लाड़ प्यार मुझे दुलार मिलता है ना, वो मुझे हमेशा मिलता रहे, इस बात के लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं उतनी बड़ी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ और सहयोग प्यार मिलेगा तो शायद मेरा भी नाम कुछ ऐसा होगा जैसे हर लोगों का होता आ रहा है मार्केट में। अभी सावन का महीना चल रहा है तो बाबा के ऊपर भी कोई आपका काम भजन आया? जी 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 हाँ, वो तो है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सुना दे रही हूँ जैसे जो भी है, मतलब कैसा जैसे मतलब कुछ भी बाबा का सुना देती हूँ। डिम डिम डमरू बजावत निकले हो, डिम डिम डमरू बजावत निकले हो, बैल पे सवार बैल पे सवार बाबा, बैल पे सवार बैल पे सवार, कानों में सोबे भूल के बिछुअन कबाला, अंगी मृग छाला गले सर्पो कमाला, कानों में सोबे भूल के बिछुअन कबाला, अंगे मृग छाला गले सर्पो कमाला, भोले डमरू बजाते निकले हो शिवजी, डमरू बजाते निकले हो, बैल पे सवार बैल पे सवार। अभी जो मेरा सॉन्ग आने वाला है बहुत ही प्यारा है, और मनोज मस्ताना जी के स्टूडियो में मैंने गाया, बहुत ही अच्छा वो सॉन्ग है,
नंदी बैल पे न चढ़ब बड़ा अजीब सा होला, नंदी बैल पे न चढ़ब बड़ा अजीब सा होला, कौनो मॉडल गाड़ी मंगा दी भोला जी, हो कौनो मॉडल गाड़ी मंगा दी, हमके घुमा दिए भोला देवघर घुमा दिए भोला। ऐसे करके उस सॉन्ग है, आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जिन्होंने लिखा है इस गाना को, उन्होंने भी बहुत मेहनत से लिखा है, एक एक शब्द पे अब चाहेंगे ना तो क्या इसमें है, रस भरा चीज़ है ये।